कारण है। हम लोगों ने जो बूंदी की नागरिकों को सेवाएं देने के क्रम में 15-16 तारीख का एक फ्री सर्विस चेकअप कैंप आयोजन किया है, जिसमें मारुति की सारी गाड़ियां गली कितनी पुरानी हो उसका फ्री चेकअप करेंगे और सजेस्ट करेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके साथ कुछ हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑयल टॉप अप, वो ऑयल टॉप अप, ऑयल टॉप अप का भी प्रोविजन किया है। वहाँ पे शुरुआत से पहले हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को इकट्ठा करके इसका इसके बारे में ब्रीफ में बताया जाए और कुछ आपसे भी सजेशन लिया जाए इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे जी। जैसा कि हमारे सर मनमोहन भाटिया जी ने बताया, आप वाइस प्रेसिडेंट भाटिया कंपनी है। ये जो फ्री सर्विस चेकअप कैंप है, ये बेसिकली यहाँ के जो ग्राहकों, हमने जो कई सालों से जो गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं हम लोग, उनकी जो गाड़ियाँ सर्विसेज पे आएंगी तो उसके अंदर जो हमने उनका इंजन ऑयल टॉपअप, किसी में अगर इंजन ऑयल कम है तो चेकअप होने के बाद इंजन ऑयल को टॉपअप करेंगे, कूलेंट को टॉपअप करेंगे, बैटरी को चेकअप करेंगे, जनरल चेकअप करेंगे। इसके बारे में हमारे वाइस मिस्टर दीपक बहल, हमारे CGM सर्विस जो कोटा से बता रहे हैं, वो ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर पुरानी गाड़ियों का जो हमने सेल करी हुई है और कोई आदमी नई गाड़ी लेने में इच्छुक है तो उसका मूल्यांकन हम लोग करेंगे और मूल्यांकन के ऊपर, हर मूल्यांकन के ऊपर एक चांदी का सिक्का 5 ग्राम का कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जो भी अपनी गाड़ी का मूल्यांकन कराना चाह रहा है। मूल्यांकन के लिए उसको RC और इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का साथ लाना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे मूल्यांकन के लिए। और अगर उसकी गाड़ी एक्सचेंज हो जाती है तो जितने भी ऑफर्स अभी चल रहे हैं, एक्सचेंज बोनस, नई कंज्यूमर ऑफर, उस एक्सचेंज की गाड़ी के ऊपर 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन जिसकी कीमत लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये है, वो हम लोग एक्सचेंज के ऊपर देंगे। जो भी ऑफर्स अभी मार्केट में चल रहे हैं, हमारे मारुति कंज्यूमर ऑफर चल रहे हैं, ये अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है तो बहुत सारे कंज्यूमर ऑफर्स हमारे इस बार मारुति ने शुरुआत में अच्छे से देना चालू करा है। जैसे अल्टो K10 के ऊपर कुल बचत करीबन 45,000 रुपये तक की है, 30,000 रुपये नई गाड़ी के ऊपर, 15,000 रुपये एक्सचेंज बोनस, 45,000 रुपये प्लस 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करके अल्टो K10 लेना चाहता है तो हमारी सारी मॉडल्स का डिस्प्ले रहेगा, जो हमारी मारुति अरीना की गाड़ियां हैं, साथ में नेक्सा की गाड़ी और कॉमर्शियल, इन सभी गाड़ियों का, नई गाड़ियों का भी वहां पर डिस्प्ले रहेगा। जब आदमी अपनी गाड़ी देगा वहां पर सर्विस के लिए, एक लाइन से गाड़ी चलती जाएगी, उसका एक एक टेक्नीशियन हमारा वो करता जाएगा। और अगर वो मूल्यांकन कराना चाह रहा है तो मूल्यांकन के बाद में हम स्पॉट फाइनेंस कराकर कस्टमर की नई गाड़ी भी बदल, पुरानी गाड़ी बदलने की कोशिश करेंगे। एक्सचेंज बोनस देके वो अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना चाह रहा है, किसी के पास वैगन आर है, वैगन आर लेके वो स्विफ्ट देना लेना चाह रहा है। अब अभी हमारे पास में CNG के मॉडल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा अभी कि जो पेट्रोल की कीमत है वो 110 रुपए करीबन हो चुकी है, तो अभी पेट्रोल की जो त्रस्त कीमत से मारुति के पास में सबसे बढ़िया जो ऑप्शंस हैं वो CNG गाड़ियों के हैं। और CNG में आप लोगों को जैसा पता है, तालेड़ा के अंदर 2 CNG पंप आ गए हैं बूंदी जिले में, और भी एक्सपेक्टेड है बूंदी में बहुत जल्दी। CNG की अगर मैं आपको रनिंग कॉस्ट के बारे में बताऊं तो आप जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप लोग, उसकी कीमत के ऊपर आप अपनी कार को चला सकते हैं। जैसे आज मैं वैगनार CNG की बात करूं, वैगनार CNG की कीमत है, अगर CNG 1 किलोग्राम की कीमत है वो है 90 रुपए करीबन, 90 रुपीज, अभी 94 थी, 96 थी, अब 90 हो गई है। 90 के अंदर जो एवरेज मारुति क्लेम कर रहा है 34 से 35 का माइलेज 1 किलोग्राम CNG में, अगर अपन 34 से 35 का भी ना माने तो 30 का भी माइलेज माने तो 3 रुपए के ऊपर आपकी गाड़ी चलती है, जो कोई भी स्कूटर आपका 3 रुपए में नहीं चलता, आपके रनिंग कॉस्ट 3 रुपए के ऊपर। अगर अपन 50 किलोमीटर डेली चलते हैं, ठीक है सर, तो 150 रुपए आपके खर्च होंगे 50 किलोमीटर चलने पे। और अगर आप ये महीने की 1500 किलोमीटर की रनिंग करते हैं तो आपका बजट आएगा मात्र 4,500 रुपए CNG पे, जबकि पेट्रोल के ऊपर दूसरी गाड़ियों के ऊपर ये बजट आता है 4 से 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10-10 रुपए, 11-11 रुपए के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं बड़ी और कंपनियों की। तो मारुति की जो माइलेज है वो सबसे प्लस पॉइंट है,
सीएनजी की गाड़ियों में बहुत अच्छे माइलेजेस हैं, तो सारी गाड़ियों का डिस्प्ले रहेगा वहाँ पर। मॉडल्स हमारे नए नए मॉडल्स आ चुके हैं, अभी ब्रेजा आ गई है, ब्रेजा को मारुति ने सीएनजी में कर दिया, अर्टिगा सीएनजी में आ रही है, थोड़ी वेटिंग्स हैं इन गाड़ियों के ऊपर, लेकिन गाड़ियाँ उपलब्ध हो जाएंगी धीरे धीरे जैसे जैसे मारुति का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सर्विस के लिए हमारे दीपक बहल जी, हमारे चीफ जनरल मैनेजर शेषव भटनागर, डीजीएम सेल्स बूंदी। बिल्कुल ग्रीन वातावरण रहता है इससे, और कंपनी सारी पूरी गवर्नमेंट चाह रही है आज के तारीख में सारे मॉडल्स को सीएनजी पे लाना, और चूंकि मारुति के मॉडल्स पेट्रोल में माइलेज बहुत अच्छे हैं इसलिए सीएनजी में माइलेज बहुत अच्छे हैं। आ रही है उसमें अगर वेरिएंट टू वेरिएंट बात करें अपन, जैसे पेट्रोल गाड़ी है बीएक्सआई, अब ब्रेजा में बीएक्सआई सीएनजी के अपन बात करें तो लगभग 1,00,000 रुपए करीबन मोटा मोटा शोरूम प्राइस में अंतर आता है। वो स्मार्ट सीएनजी मारुति ने यूज करा है, और मारुति का चैलेंज है कि इसमें किसी प्रकार का कोई आग का चक्कर नहीं होता इसमें। मारुति एक चीज आप लोगों को बताना चाह रही है, हम लोग कई बार आपसे कहते हैं कि आप जेन्युइन एसीज यहाँ से लगवाएं, कंपनी से लगवाएं, आदमी सोचता है साहब इनकी एसीज महंगी है, पर कंपनी क्या चाह रही है आज की तारीख में, इलेक्ट्रॉनिक कटिंग कहीं से भी नहीं चाह रही, क्योंकि उसमें वायर कट होता है, वायर कट होने के बाद में तार गर्म होता है और हीट पकड़ता है और वो आग पकड़ती गाड़ी, तो इलेक्ट्रिकल फिटमेंट मारुति का कहना यह है कि आप यहीं से कराएं, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ पर कपलिंग सिस्टम आता है, आपने को स्टीरियो लगाना है तो गाड़ी में कपलिंग छूटा हुआ है, वैगनआर का स्टीरियो वैगनआर में लगेगा, आप ये नहीं कह सकते कि वैगनआर का स्टीरियो अल्टो में लग जाएगा, अल्टो का स्टीरियो अल्टो में लगेगा, ब्रेजा का स्टीरियो ब्रेजा में ही लगेगा, तो कपलिंग सिस्टम जो उसमें होता है उसमें वायर कटने की प्रॉब्लम नहीं होती, और ऑल ओवर इंडिया उसमें आपको सर्विस मिलती है। आपकी गाड़ी अगर यहाँ से आपने खरीदी है मार्टिन कंपनी से, स्टीरियो डलवाया आपने यहाँ से एमजीए का, मारुति जेन्युइन एसीज का, तो कन्याकुमारी में भी आपको अगर आप सर्विस स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पर आपकी गाड़ी पे स्टीरियो ठीक हो जाएगा, ब्रेक ऑन टॉप ऑफ करेंगे, कूलेंट टॉप ऑफ करेंगे, और गाड़ी में जो भी कमियां निकलती है वो कस्टमर को बताएंगे, लाइन बाई लाइन गाड़ी धोती जाएगी ऐसे पूरा, और आप ही ने गाड़ी का अभी ड्राई वॉश करके गाड़ी कर दोगे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।